पाइनएप्पल इतना मीठा मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा, और एक बार मैं बोल दूँ आपको, मैं इसका चैनल कनाडा में भी देखता था, तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं थाईलैंड में हूँ, ऐसे लग रहा है मैं यूरोप यूरोप में घूम रहा हूँ। अभी दिस इज योर बॉय पारस, सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस एंड अनदर ब्लॉग गाइस। तो आज हूँ भाई मैं बैंकॉक में, तो आपने लास्ट ब्लॉग देखा ही होगा नाइट लाइफ वाला, तो बहुत प्यार दिया आपने, थैंक यू सो मच। तो भी हूँ मैं भाई बैंकॉक सिटी में, तो आज मेरा बैंकॉक टूर था, तो जो कि बैंकॉक में काफ़ी टेम्पल्स वगैरह होते हैं और काफ़ी जो कि प्लेसेस देखने वाली होती हैं, तो वो वाला टूर बुक करवाया था, उस टूर के बारे में बताएंगे आपको पूरा लास्ट में। तो फिलहाल हम चलते हैं, एक मैं जगह पर आया हूँ यहाँ पर, ये जगह का नाम है ग्रैंड पैलेस, तो ग्रैंड पैलेस में आया हूँ अभी, तो चलते हैं यार अंदर, मास्क लगा लेते हैं, तो ग्रैंड पैलेस का माहौल दिखाते हैं सबसे पहले आपको। तो हमारे जो ग्रुप में भाई तीन चार बंदे थे, और अपना यहाँ पर मेरे साथ गाइड हैं जो हमको गाइड कर रहे हैं ये पूरा टेंपल के बारे में। और यहाँ पर भाई किंग का घर है, जो कि यहाँ पर किंग रहते हैं बिल्कुल, ये पीछे देख सकते हो ये किंग का गेट है भाई, नीचे नो एंट्री लिखा हुआ है। तो और एक और चीज़, यहाँ पर टिकट लगती है, टिकट का प्राइस भी बताते हैं आपको कितना है। और यहाँ पर थाइयों के लिए टिकट नहीं है, बट फॉरनर्स के लिए टिकट है। और ये हमारे साथ ग्रुप में है पाजी, तो ये पाजी पंजाब कनाडा से हैं वैसे, तो पाजी कितने की टिकट मिली है आपको? 500 बार की टिकट है, और थाइयों को टिकट नहीं है, बट जो अपने इंडियन जो मतलब फॉरनर जो भी थाईलैंड से के बाहर से, हाँ, तो भाई 500 बार की टिकट है। चलो पाजी इंजॉय करते हैं फिर अंदर ना। हाँ बिल्कुल, तो पाजी मतलब मिल गए मुझे तो इंजॉय करते हैं पाजी के साथ ही। और एक बात मैं बोल दूँ आपको, मैं इसका चैनल कनाडा में भी देखता था, वी आर लकी ये आज मुझे यहाँ मिल गया, क्या बात है, वी कैन एंजॉय आवर टू टुगेदर, क्या बात है पाजी, थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग हिम, कीप सपोर्ट हिम, सब्सक्राइब हिम, लाइक हिम, शेयर हिम, व्हाटएवर यू कैन डू। टेम्पल है तो यहाँ पर एक्चुअली वीडियो अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर आप अंदर जैसे ये बाहर का व्यू है ये वाला आप वीडियो बना सकते हो, फोटो खींच सकते हो, बट इसके जो अंदर बनी है मतलब एक्टिविटीज़ जो बनी पेंटिंग्स वगैरह बनी है, तो आप अंदर वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ पर अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। और ये ग्रैंड पैलेस आपको जैसे कि बताया, ग्रैंड पैलेस प्लेस है ये वाली, और किंग का घर भी इसके बिल्कुल पास ही है। तो ये सेम इनका जो कल्चर है वो रामायण के मतलब बिल्कुल सिमिलर है, तो सेम ही है मतलब जैसे रामायण में हुआ था वैसे ही ये वाला हुआ है, बट ये सिर्फ थाई है, थाई वर्जन है भाई ये वाला, जो आपको पता ही होगा, तो जो हमारा गाइड है उन्होंने मतलब बताया तो मेरे को समझ आ गई, तो बड़ा मज़ा आ रहा है एक्सप्लोर करने का। और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको, अगर पॉसिबल होगा तो दिखाएंगे आपको माहौल। और बहुत ही शानदार और बहुत ही नाइस टेम्पल है, बहुत ही बढ़िया है, और रियल गोल्ड के बने हुए हैं टेम्पल भाई, रियल गोल्ड की मतलब जो ऊपर क्या कहते हैं परत है, रियल गोल्ड की है यहाँ पर। और बहुत टूरिस्ट भी आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए और प्लेसेस एक्सप्लोर करने। इसके बाद हम बाहर जाएंगे शायद, तो अभी पहले एक्सप्लोर कर लें अंदर का और भी माहौल। ये दूसरी जगह पे आए हैं, ये भी एक जगह एक्सप्लोर करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपको मैं वीडियो में दिखा नहीं पाया क्योंकि अलाउड नहीं था। पाजी से पूछते हैं, पाजी क्या विचार है आपके? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, कुछ डिफरेंट देखने को मिला। अच्छा, तो कैसा लग रहा है, मतलब पहली बार आया आप ये वाले टेम्पल? यस, तो बढ़िया यार, कैसा कि ये मैं तो यही कहूँगा भाई हर एक को एक बार जरूर आके जहाँ देखना चाहिए। हाँ जरूर आना चाहिए, और जरूर आओ, चाहे थोड़े 5-10 दिन के लिए थाईलैंड आओ, पर आओ जरूर एक बार, बिल्कुल आप तो देखो इसको, इसकी जो हिस्ट्री है उसको जानो,
बिल्कुल, फिर आपको मालूम पड़ेगा क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है। सही बात, अमेजिंग, लाइक इट्स फॉर मी इट्स लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। सही बात है। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये वाला है फिफ्थ किंग का विला। 1826 में ये बिल्ड हुआ था। 1826 मतलब कि आज से आप लगा लो 200 साल पहले, तो ऑलमोस्ट 200 साल पहले ये बिल्ड हुआ है। तो यार देख लो कितना बढ़िया बना है यार, ज़बरदस्त यार, देख सकते हो मेरे पीछे। तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं थाईलैंड में हूँ, ऐसे लग रहा है मैं यूरोप यूरोप में घूम रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनी है वो ज़बरदस्त बनी हुई है। तो भाई बाहर निकल आए हैं ये वाली प्लेस से। 3 घंटे में हमने काफ़ी कुछ देखा और टेम्पल में गए, और बहुत शानदार टेम्पल था और प्योर गोल्ड का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बड़ा मज़ा आया। इसके बाद हम जा रहे हैं कोई दूसरी जगह पे, तो आपको लेके चलते हैं दूसरी जगह। तो भाई मैं आ चुका हूँ, यहाँ से होती है फेरी की क्रॉसिंग, देख सकते हो मेरे पीछे ये खड़ी है। ये चौपाया रिवर है, तो चौपाया रिवर से मैं क्रॉसिंग करूँगा ये दूसरी साइड पे। तो सिर्फ कितने पैसे लगे मेरे, 3.50 सेंट, तो मतलब 3.5 बार लगे मेरे यहाँ से क्रॉसिंग करने की। चलते हैं यार, क्रॉसिंग करते हैं यहाँ से। तो यार फेरी से उतर गए थे, तो उसके बाद एक मार्केट है, ये छोटी सी फूड मार्केट है, सबसे चीप मार्केट है। और पाजी क्या कहना चाहोगे इस चीप मार्केट के बारे में? पाइनएप्पल इतना मीठा मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा, और कह रहे पाजी, कह रहे कनाडा में तो मेक्सिको से मतलब आते हैं पाइनएप्पल, बट इतने मीठे नहीं होते। तो जो थाईलैंड का पाइनएप्पल है ये बेस्ट है, क्यों पाजी? तो यार अपना एक मार्केट में आए हैं, तो मार्केट ऐसी लग रही है हमारे ना अमृतसर में ना एक लंडा बाजार है, तो क्यों भाजी सेम लग रही है? बिल्कुल, तो ये मार्केट सेम लग रही है लंडा, बट ये थाइयों का लंडा बाजार है। ऐसे है कि यार यहाँ पर हमने मास्क लिए भाई पताया में, ये मास्क आपको 20-25 बाट में मिलता है पैकेट, और यहाँ पर सिर्फ हमको 10 बाट का ये पूरा पैकेट मिला, उसमें 10 मास्क होते हैं। तो बढ़िया है यार, बहुत चीप है यार, ये लंडा बाजार है थाईलैंड का। तो यार तो ये जो मार्केट का नाम है ये है वांगलांग मार्केट, और ये मैं मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो इसका तो मेरे को प्रोनाउंस भी नहीं करना आ रहा, नीचे लिख दूंगा आप पढ़ लेना, सर्च कर सकते हो इस मार्केट के बारे में। यहाँ पर सब कुछ मिलता है, खाने से लेके शूज़ तक सब कुछ मिलता है यहाँ पर। मार्केट से तो बाहर आ गए थे, तो पाजी अभी यहाँ पर एक टेम्पल है वो एक्सप्लोर करेंगे, उसका नाम था वत अरुण। तो मैं तो निकल रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम था, मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको टेम्पल दिखाता, नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। और पाजी से मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, पाजी कनाडा से आए हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच, अभी मौका मिला कनाडा आना, पक्का पक्का कनाडा भी मारेंगे चक्कर, और आप बुलाओगे तो ज़रूर आएंगे। तो ऐसे कि पाजी को भी करते हैं अलविदा, मैं निकलता हूँ अपने रास्ते, तो पाजी मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है? आओ कभी, बताया बड़ा अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच पाजी, तो बाकी पताया आओ कभी, मिलते हैं फिर। मैं आ रहा हूँ दो तीन दिन, ठीक है पाजी? पाजी को कर दिया है अलविदा। तो पाजी कह रहे थे कि यार मेरे साथ चलो अभी भी, बट मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा काम था, नहीं तो मैं चलता। बाकी आप कभी भी आओ यहाँ पर बैंकॉक में, विज़िट कर सकते हो ग्रैंड पैलेस, तो जिसमें कि किंग का घर है, फिफ्थ जो किंग थे उनका घर है यहाँ पर। तो आप भी देख सकते हो ये वाला नज़ारा, अगर कभी भी आते हो तो चेक करना ज़रूर। तो मेरे पीछे देख सकते हो ये है वत अरुण, इसका नाम है, ये टेंपल है। अभी मैंने अंदर इसके जाना था बट मैं जा नहीं पाया, तो मैंने पाजी को भेज दिया। तो अभी मैं हूँ फेरी के अंदर, जो कि मैंने 3 बार आपको बोला था 3.50 सेंट लगते हैं यहाँ पर। तो ये क्रॉसिंग करवाते हैं सिर्फ, तो मेरे को ये चौपाया रिवर है सारा, तो चौपाया रिवर की क्रॉसिंग करवाएंगे ये। तो आगे से मैं टैक्सी पकड़ के अपने होटल चला जाऊँगा। तो बहुत थक गए यार आज, तो बड़ा मज़ा आया ट्रिप इन्जॉय करने का अभी। तो आई होप कि यार आज की वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी, अगर बढ़िया लगी है तो लाइक ठोक देना, कमेंट ठोक देना, और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंडों के साथ। जो भाई इंटरेस्टेड है थाईलैंड के अंदर टेम्पल देखना चाहते हैं, तो भाई ज़रूर विज़िट करना, यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया मिस्ट्रीज़ हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये वाला टेम्पल नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करेंगे। तो ठीक है भाई, इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो मैसेज कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, फिलहाल के लिए बाय बाय। A distancia, ya no aguanto tu fragancia, tú no haré con
demasiado.